मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम महिलाओं की एक पंचायत में कहा कि जैसे ट्रिपल तलाक का कानून बना है, वैसे ही हिंदू धर्म में अगर कोई शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ देता है और दूसरी महिला के साथ रहने लगता है तो ऐसे पुरुषों को दंडित किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए कानून भी बनाया जाएगा। इसी को लेकर हमने अयोध्या के साधु संत और मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया सामने लाई है। वहीं परमहंस दास महान तपस्वी छावनी ने कहा है कि बिल्कुल मैं इससे बेहद प्रसन्न हूं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय है क्योंकि पुरुष मनमुखी हो गया है और औरतों के ऊपर बराबर दबाव बनाया जाता है कि वह कहीं जाए ना और कहीं ना निकल सके तो औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह बहुत ही अहम फैसला है। जिस तरह से पुरुषों को अधिकार है उसी तरह से महिलाओं को भी अधिकार है। जिस तरह से पुरुष चाहता है कि महिला कहीं ना जाए उसी तरह से महिला भी चाहती है कि पुरुष भी हमारा सम्मान करे। जो पुरुष विवाहित है और अन्य महिलाओं से व्यभिचार कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इससे समाज में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। योगी जी ने यह भी कहा कि उसे जल्द से जल्दी लागू होना चाहिए, इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। हाजी मोहम्मद इस्लाम अंसारी चीफ इंडियन मुस्लिम समाज ने कहा है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होता है और जो भी आदित्यनाथ जी ने कहा है उसकी मैं सराहना करता हूँ और बहुत अच्छे अंदाज में सराहना करता हूँ। यह बहुत अच्छा कदम है। हिंदुस्तान की हर नारी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सम्मान भी मिलना चाहिए। हमको तो ये लगता है कि नारी पुरुषों से भी आगे जा रही है, चांद तक पहुँचने का हौसला रखती है। यह बहुत ही सराहनीय काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, मैं बेहद प्रसन्न हूँ और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय है। चूंकि पुरुष जो है मनमुखी हो गया है और औरतों के ऊपर बराबर जो है दबाव बनाया जाता है उनको कि अरे उनको कहीं जाए न, कहीं निकल न सके, तो कहीं न कहीं से औरतों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये बहुत ही अहम फैसला है कि यदि पुरुष जो है जिस तरह से पुरुषों को अधिकार है उसी तरह से महिलाओं को भी अधिकार है। जिस तरह से पुरुष जो है चाहता है कि उन पत्नी जो है तो हमारे अलावा और कहीं न जाए, तो उसी तरह से महिला भी चाहती है कि पुरुष भी हमारा सम्मान करे। जो पुरुष विवाहित है और इसके बाद अपनी पत्नी के अलावा अगर अन्य जो है तो महिलाओं से जो है तो वह व्यभिचार कर रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में जो है ये बहुत बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा। माननीय योगी जी ने जो ये कहा है, हम प्रमुख धर्माचार्य की ओर से, क्योंकि अयोध्या की तपस्वी छावनी आचार्य पीठ है, ज्ञान वैराग भक्ति का यहाँ से उद्गम हुआ है और अभी अभी हजारों धर्माचार्यों ने मुझे जो है जगत गुरु रामानंदाचार्य की उपाधि दिया है, तो उसकी हैसियत से मैं योगी जी का स्वागत करता हूँ। और योगी जी ने जो कहा है, मैं जितना जल्दी हो इसको लागू होना चाहिए समाज में, इससे एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। ये हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होता है, इस पर जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो पैगाम दिया या हुक्म दिया है उसका मैं सराहना करता हूँ और उसको मैं बहुत अच्छे अंदाज में सराहना करता हूँ। ये बहुत अच्छा कदम है। हर हिंदुस्तान की हर नारी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और मेरे तो ध्यान में ये आ रहा है कि नारी लड़कियाँ लड़कों से आगे जा रहे हैं, यहाँ तक चांद तक पहुँचने की हिम्मत रखती हैं। बहरहाल ये बहुत सराहनीय काम मुख्यमंत्री साहब ने किया, इसके मैं स्वागत